जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ जो इंडियन आर्मी OTA गया BR की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, आपको फॉर्म भरने के लिए उसमें जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा और उसकी जो लास्ट डेट है उसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो कब तक है। तो दोस्तों साथ ही बता दूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं तो रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा, उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उस पर आने वाले एक दो दिन में मैं तो रीजनिंग की क्लास शुरू होने वाली है, तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। तो बता दूं कि जो अभी इंडियन आर्मी OTA जिसमें सफाई कर्मचारी, बार्बर, मोची, धोबी या सभी जो ट्रेडमैन जितने भी ट्रेड हैं उनकी जो वैकेंसी आ रखी है, तो दोस्तों जितने भी दोस्तों उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं फॉर्म अप्लाई करना, आपको पता है उसका ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसका जो फॉर्म है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करिए और वहां से आपको वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। उस फॉर्म को डाउनलोड करके उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसका मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो फॉर्म कैसे भरना है, अगर आपकी परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको एक फॉर्म भर के फिर आपको बता दूंगा कि किस प्रकार फॉर्म भरना है। उसकी जो लास्ट डेट है 1 फरवरी 2021 उसकी लास्ट डेट है, तब तक आपका फॉर्म यहाँ वहाँ तक भर सकते हो दोस्तों। तो जितने भी दोस्त इच्छुक है इस वैकेंसी को में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म भर सकते हो। ये गया बिहार में आ रखी है, सफाई कर्मचारी, मोची, बार्बर, धोबी, यानी जितने भी ट्रेड होते हैं आर्मी में उन सभी ट्रेड की वैकेंसी आ रखी है दोस्तों। तो जिन जिनको फॉर्म भरना है वो 1 फरवरी 2021 से पहले ये फॉर्म भर दें। उसका जो फॉर्म का परफॉर्मा है वो मैं यहाँ नीचे लिंक दे दूंगा, उसकी PDF डाउनलोड करके आप निकलवा के उसका ऑफलाइन फॉर्म भर देना है दोस्तों। और उसके फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसमें आपको मैं अगर नॉर्मल जानकारी देऊँ तो उसमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, उसके बारे में मुझे पता है, कईयों को नहीं पता कि कैसे बनता है। तो उसकी नॉर्मल सी चीज़ है, आपका जो नज़दीकी हॉस्पिटल है उसमें जाना आपको और उनको बोलना है कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे एक फॉर्म अप्लाई करना है। आप उस फॉर्म में अगर मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो मान के चलिए, अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आपका कोई लेटर नहीं आएगा, इसलिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट उस फॉर्म में ज़रूर लगाना है दोस्तों। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है मैंने बता दिया कि आपके नज़दीकी जो हॉस्पिटल है उसमें जाइए और वहाँ पर केवल आपको इतना बोलना है जो डॉक्टर है उनसे कि मुझे जो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए इस वैकेंसी के लिए, तो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दे दो, तो वो ज़रूर आपको साइन करके एक नॉर्मल पेज आता है उस पर मेडिकल सर्टिफिकेट उसमें लिखी हुई रहती है आपकी एज वाइज, वो कंप्लीट करके और आपको साइन करके दे देगा। उसी समय आप चाहो तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स गजिस्टर्ड ऑफिसर से, वहाँ पे ए ग्रेड ऑफिसर से जो डॉक्यूमेंट्स आपके उसमें लगेंगे फिलअप होंगे, जो आपके प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, 10th क्लास की मार्कशीट हो गया, अगर आप किसी डिप्लोमा जैसे ITI या इनसे लग रहे हो तो वो प्रमाण पत्र हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, 10th क्लास की मार्कशीट है तो वो हो गई, इनको अटेस्टेड या जाति प्रमाण पत्र ये सभी सेंटर के होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये जो फॉर्म उस पर लगेंगे उनकी जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है तो उसके साथ मैं अटैच करके बता दूंगा कि इन फॉर्म को इस रूप से भरना है और ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन फिर भी आपको उस नोटिफिकेशन उससे पता चल जाएगा कि आपके कौन कौन से फॉर्म लगने हैं। फिर भी आपको पता नहीं चले तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बता देना दोस्तों। तो 1 फरवरी 2021 से पहले ये फॉर्म अप्लाई कर लो जिनको इंडियन आर्मी OTA में लगना है, जो इन ट्रेड में जाना चाहता है, जिनके जो डिप्लोमा से लग रहे हैं वो उसी डिप्लोमा के फॉर्म जरूर भरें। साथ ही जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसमें जिस ट्रेड के लिए मांगते हैं तो उसका अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगाओगे तो ही आपके को लेटर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, इसलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस ट्रेड में मांगा गया है उस ट्रेड में ज़रूर लगाना है दोस्तों, नहीं तो आपका को लेटर नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो फॉर्म के वीडियो बना के दूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं आपको एक फॉर्म भर के फिलअप करके आपको वीडियो बना के ज़रूर बता दूंगा दोस्तों।